बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको चिकन अरबी मंदी राइस की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़े की बनती है। उसके लिए सबसे पहले हम मंदी मसाला रेडी करेंगे। मंदी मसाले के लिए मैंने ये सारे गरम मसाला लिया हुआ है, जिसमें ये ली है 20 अदद छोटी इलायची ली है मैंने, लौंग ली है 20 अदद, काली मिर्ची ली है मैंने 1 टीस्पून, जायफल का टुकड़ा मैंने छोटा सा लिया 1/4 लिया है, जावित्री मैंने लिए 2 से 3, ये बड़ी इलायची ले ली है 1, दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने ये 1। अब इन सबको पीस लेंगे। इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून चाइनीज नमक। अब इन सबको पाउडर फॉर्म में हम कर लेंगे। मंदी मसाला मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में रख दिया है, ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून। अब चिकन का मसाला मैं रेडी कर रही हूँ, चिकन मंदी राइस बना रहे हैं। तो अब चिकन मैरिनेट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। चिकन के ये बड़े पीस ले लिए हैं, इसको मैंने कट लगा लिए हैं। चिकन मेरी है 1.5 किलो चिकन है, उसके मैंने 6 पीस करवा लिए थे, उसके कट लगवा लिए हैं। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची किसी भी लेंगे, 1 टेबल स्पून लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून भी कर सकते हैं हम नमक, नमक हम उसमें ज़रूरत लेंगे। 2 टेबल स्पून हम लेंगे ऑयल, इसके लिए हम 2 टेबल स्पून लेंगे हम ऑयल। 2 अदद नींबू भी हम लेंगे। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, टेबलस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च किसी भी, 2 टेबलस्पून डालेंगे हम ऑयल, 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्ची पिसी हुई, मंदी मसाला लेंगे हम 2 टेबलस्पून, 2 and 3 टेबलस्पून लेंगे, टू एंड हाफ टेबल स्पून हमने मंदी मसाला लिया है, 1 and 1/2 हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 नींबू है इसका मैं जूस निकालूंगी, तो ये 2 लेमन लिए थे मैंने, इसका मैं जूस निकाल लिया है। इसके अंदर हम फूड कलर डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, वो हम एंड में डालेंगे। चिकन में हमने मसाला लगा लिया है, अब इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूंगी। चिकन हमारी मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया है, आप लोग के सामने है, ये देखें चिकन मैरिनेट करने के लिए रखी थी हमने। अब हम इसके लिए चावल बनाएंगे। चावल बनाने के लिए हम लेंगे प्याज 2 अदद लेंगे कटी हुई, 1 अदद बड़ी गाजर ली है इसको लंबा काट लिया है, शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी उसको भी बारीक और लंबी कटिंग कर ली है इसकी, बादाम और किशमिश है जो फ्राई करके ऊपर से डलेंगे, साबित गरम मसाला है, नमक है, मंदी मसाला जो मैंने आपको पाउडर पीस के बताया है वो 1/2 टीस्पून डलेगा, विनेगर रहेगा 2 चम्मच, 1 कप ऑयल है। अब मैं डालूंगी ऑयल, 1 कप मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद हम डालेंगे ये प्याज, प्याज को मैं लाइट पिंक होने तक पकाऊंगी। ये देखिए लाइट पिंक प्याज हो गई है हमारी। अब ये चिकन जो है हमने मैरिनेट की हुई थी, इसको मैं रख दूंगी। चिकन मैंने इसमें रखी है, इसको 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी मैं। 7 मिनट हो गए हैं इसको, अब मैं देखिए ये देख रही हूँ, अब मैं इसको पलटूंगी, बिल्कुल आराम से पलटना है इसको, इसी तरह मैं सारे पलट लूँगी। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है, अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको
10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अंदर तक गल जाए। ये देखिए ये चिकन मेरी गल चुकी है, इसको हमें पूरा नहीं गलाना। मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक, नमक मुझे कम लग रहा था, नमक मैंने इसमें डाल दिया है। इसको पलटते जाएंगे, पकाते जाएंगे। अब 5 मिनट बाद मैं चिकन को इसमें से निकाल लूँगी, 5 मिनट ढककर पकने दूंगी। नमक डाला है, थोड़ा नमक इन सब में चढ़ जाए, फिर इसके बाद मैं चिकन निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए चिकन मैंने निकाल ली है इस पानी के अंदर, अब इस पतीले में से, अब इस पतीले के अंदर मैं 2 ग्लास पानी और डाल दूँगी। इसी के अंदर जाएगा ये साबित गरम मसाला, थोड़ा सा ये मंदी मसाला जो मैंने बताया था आपको, इसी के अंदर जाएगा ये शिमला मिर्च और गाजर। और ये जो चिकन हमने निकाल ली थी, इसका जो ये पानी बचा था मसाला, ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, इसे हम फेंकेंगे नहीं। चावल मैंने ले लिए हैं, इसको मैंने बॉयल करने रख दिया है। चावल मैंने ले लिए हैं 3 पाव, उसके अंदर मैं अपने हिसाब से ही मैंने पानी डाला है, आप लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चावलों के लिए पानी डालिएगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, ये देखिए ये मसाला मेरा अब रेडी होने वाला है। इसी के अंदर जाएगा ये 2 चम्मच सिरका डाल देंगे हम, इसको जोश आने तक हम पकाएंगे, ताकि फिर ये चावल हम डालेंगे जब तक मैं चिकन को फ्राई करती हूँ। ये जो चिकन है इसको मैं शेलो फ्राई करूँगी, इसको कलर दूँगी। इसके अंदर मैं फूड कलर डालती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह डालना है। ये देखिए चिकन हमारी ये है, और ये मैंने जर्दे का रंग जो है येलो कलर, उसको मैंने थोड़े से पानी में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे करके लगा दूँगी, इसको हमें थोड़ा कलर देना है। इसी तरह मैं सारी चिकन पे लगा लूँगी। देखिए चावलों में पानी में बॉयल आ गया है, अब मैं सारे चावल डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए मैंने चावल मैंने डाल के पकने के लिए छोड़ दिए हैं। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल लिया है, ऑयल लेने के बाद मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी बादाम और किशमिश, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए ये ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, अब इसी ऑयल में मैं चिकन को फ्राई करूँगी। मैंने फ्राई करके इसको निकाल लिया है, चावल हमारे दम हो चुके हैं, अब मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखिए मैंने सर्व कर ली, किशमिश और बादाम जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, अल्लाह हाफिज़।